अपनी। अरे भाई हुआ क्या है? हुआ क्या? क्या जॉब करने वाले को तो ये लोग गुलामी समझते, ऐसे काम करवाते जिसे मेरे बाप ने कर्जा खाया हो और वो लोग बैठे वसूल करने के लिए। अच्छा ठीक है शांत हो जा तू। नहीं भाई बहुत हो गया, मुझे और नहीं होगा। तो फिर छोड़ दे। छोड़ भी तो नहीं सकता, करूंगा क्या? मेरे प्लान में शामिल हो जा। कौन सा प्लान? इधर ये ले। स्मार्ट डिटेक्टिव, जो कोई ना कर सके वो हम करेंगे, क्योंकि हम है स्मार्ट डिटेक्टिव। ये क्या है? सुन, हम भी बनेंगे डिटेक्टिव। वो वाला नहीं जो बीवी के अफेयर के पीछे भागते हैं, वो वाला जो फास्ट एंड फ्यूरियस में डोम और उसके दोस्त लोग करते हैं। नहीं नहीं भाई, वो डॉन होता है। अरे तू समझ गया ना, वही है बस। वो लोग तो कार चोरी करते हैं। अरे वो तो शुरुआत में है, धंधा जब मंदा चलता है तब कार चोरी करते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे बिजनेस में जब ग्रोथ होता है तो उसके बाद क्या होता है, बड़े बड़े लोग यहाँ तक कि पुलिस भी अपना काम लेके उसके पास आ जाते हैं कि मेरा काम तुम कर दो। वैसे ही इसलिए मैंने भी यहाँ पे लिखा है, देखते जो कोई ना कर सके वो हम करेंगे, क्योंकि हम है स्मार्ट डिटेक्टिव, ताकि बड़े बड़े लोग भी अपने बड़े बड़े काम हम ला के दे और वो बड़े काम करके हम फेमस हो जाएंगे। मस्त प्लान है भाई, ये मुझे सेंड करा, मैं भी इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक हर जगह शेयर कर देता हूँ। नमस्ते दिनेश जी। नमस्ते, कौन हो तुम? अरे अरे कौन हो तुम और ऐसे कैसे घर पे घुसे आ रहे हो? अरे अरे घबराइए मत, घबराइए मत, हम तो इज्जतदार लोग हैं, आपसे इज्जत से बात करने आए हैं। हम हैं धनराज, नाम तो सुना ही होगा आपने। हाँ हाँ सुना है ना, वो लोग जो दूसरे के जमीन जबरदस्ती खरीदते हैं और ना खरीद पाए तो फिर हमें वो करना पड़ता है जिससे हमें भी बहुत अफसोस होता है। देखिए अगर आप हमारा बात प्यार से मान लेंगे तो हमें और कोई तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा, नहीं तो आप जानते ही हैं फिर। देखो मैंने पहले ही तुम्हारी चर्चा से कह दिया है, मैंने अपनी जमीन अपने बेटे के नाम पर कर दी है और मेरे मरने के बाद इसका मालिक वही होगा और कोई भी नहीं। देखिए दिनेश जी, हम आपसे बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। अरे ये देखो कौन आया, आओ आओ बेटा इधर आओ बैठो, दिखाओ हमें भी अपना रिजल्ट दिखाओ। अरे वाह मैथ्स में 85, तुम्हारा मैथ इतना स्ट्रांग है तो तुम्हारा पापा का वीक क्यों है? देखिए दिनेश जी, हम आपके लिए घाटे का सौदा नहीं लाए हैं, इस घर की जितनी भी कीमत है जितनी भी उसका दुगना मैं दे रहा हूं आपको, आराम से पैसा लीजिए, अपने बेटे के साथ एक नई जिंदगी शुरू कीजिए। इस घर को तुम जैसे लोग सिर्फ पैसे से ही तोड़ सकते हैं, ना तुम्हारे अंदर यादों की कीमत है ना भावनाओं की। इस घर के साथ मेरे माँ बाप और मेरी बीवी की यादें जुड़ी हुई है, मैं इस घर को किसी भी कीमत में नहीं बेचूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपको बताने का फर्ज तो हमारा बनता है, अगर आप अपना फैसला नहीं बदलते हैं तो आपकी क्या बीती यादें हैं इस घर में वो तो मुझे नहीं पता, पर आपके साथ आने वाले कल में क्या होगा उसके बारे में आप सोचेंगे तो बेहतर होगा, बाकी सोचिएगा जरूर। पापा को थोड़ा मैथ सिखा देना, तुमसे ज्यादा जरूरत है उन्हें। ये तेरे कपड़े से टट्टी है, डिस्मेल क्यों आ रही है? क्योंकि सुबह सुबह ही साफ कर रहा था। पर क्यों? तेरे डिटेक्टिव बनने के चक्कर में आज टट्टी साफ करने वाला बन गया मैं। देख अभी शुरुआत शुरुआत है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है, जब एक बार हमारा बिजनेस ग्रोथ हो जाएगा उसके बाद देखना हमारे पास बड़े बड़े काम आएंगे। भाई वो समझ में आता है, पर सुबह सुबह मुझे कॉल आया था, बोलता भाई हग लिया आके धो दे। गाड़ धोने के लिए कौन कॉल करता है? वो कॉल मुझे भी आया था। तूने क्या बोला? मैं क्या कहता, अब देख ग्राहक तो भगवान समान होते हैं, उन्हें ना थोड़ी ना कहा जाता है।
पर तू चिंता मत कर, मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है। क्या सॉल्यूशन? देख, हमारे सोशल मीडिया से सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ये हमारा बिजनेस पहुंच रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पर्सनली लोगों तक हमारा बिजनेस पहुंचाना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे? ये देख, इससे पहुंचेगा हमारा बिजनेस लोगों तक। क्या करे भैया, ये तो आज भी नहीं माना। करना क्या है, अब वही करना पड़ेगा जो हमें करना पसंद नहीं। पर अगर हम इसे मार भी देंगे तो इसे हमें क्या फायदा होने वाला, प्रॉपर्टी तो इसके बेटे के नाम पे है। तो बाप को मारने के लिए कौन बोल रहा है, बेटे को उठा लो, बाप अपने आप रास्ते में आ जाएगा। लेकिन भैया हमारे पास आदमी कहाँ है, कुछ तो अंदर है और कुछ अंडरग्राउंड हो गए हैं। पैसे फेंको, अपने आप हर काम करने के लिए आदमी मिल जाएंगे। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। अरे भाई यहाँ तो लगाया अभी, ठीक आगे लगाएंगे। बहुत सारे बांट दिए भाई, इनको देते भैया, चल कीजिए। भाई तू उठा, हेलो, मैं धनराज ब्रदर्स बोल रहा हूँ। भाई धनराज ब्रदर्स का फोन है, खबर कर रहा है। हाँ कौन है ये? वो तो मुझे भी नहीं पता, इस शहर में तो एक ही ब्रदर्स फेमस है। हाँ भाई बात कर। हम भी स्मार्ट डिटेक्टिव्स बोल रहे हैं, एक काम है तुम लोगों के लिए। क्या काम है? सारी बातें फोन पे नहीं बता सकता, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, वहाँ आ जाओ, बाकी बातें वहाँ पे करेंगे। ठीक है। तू ऐसे क्यों बात कर रहा था? अरे ऐसे आवाज में दम आता है। अच्छा क्या कहा था उसने? उसने कुछ नहीं कहा, बोला एड्रेस में जाने के लिए उसके बाद काम बताए। किडनैपिंग जैसा काम इन चूतियों से हो पाएगा? कर लेंगे जो भी काम देंगे। After all, we are smart detectives. उम्मीद तो है, बाकी आने दो, देखते हैं। चल चल। पहला क्लाइंट है, लेट नहीं होते। हाँ हाँ भाई सही कहा, वैसे भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज गुड इम्प्रेशन। नहीं नहीं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज प्रोस्टिट्यूशन। चल भाई रहने दे, बाद में बात कर लेंगे। कुछ तो था। हाँ हाँ था, जरूर था, मैंने भी सुना है। बताइए सर, तो प्रोस्टिट्यूट नहीं था भाई? ये है वो नमूने, लग तो वही रहा है। भाई ये लोग लड़कियों का जैसा खुसुर खुसुर क्यों कर रहे हैं? हमारे पर्सनैलिटी देख के इंप्रेस हो गए होंगे, वही तारीफ कर रहे होंगे। आपको भी अभी लगता है ये चुतियों से काम हो जाएगा? तुम लोगों ने अभी तक क्या क्या किया है? बिल्ली पकड़ना, गाड़ धोना, छत्ती साफ करना। नहीं नहीं ये सब हमने नहीं किया है। वो आपने फास्ट एंड फ्यूरियस मनी हाइस्ट देखा है ना? टॉम इसका चाचा है। हाँ, और बर्लिन इसका मामा। तो तुम दोनों उनके साथ काम क्यों नहीं करते? क्योंकि हम नेपोटिज्म को फॉलो नहीं करते। हाँ हम लोग खुद का कुछ करना चाहते। अच्छा, किया क्या अब तक?
अभी तक हमने कुछ किया तो नहीं है, लेकिन अगर आप मौका देंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर जज्बा भरा हुआ है। ठीक है, किडनैपिंग कर लोगे? किडनैपिंग ब्रो, क्राइम इज किडनैपिंग। हाँ तो ठीक है ना, तो क्राइम इज क्राइम ब्रो। ऐसे भी कौन सा मनी है इसमें बर्लिन जाके नमाज पढ़ाता है, वो भी तो क्राइम ही करता है ना। देख शुरुआत ऐसे ही होता है, पहले चोरी डकैती छिनताई ये सब पहले करना पड़ता है, उसके बाद ही तो धीरे धीरे बड़े होते हैं और बड़े होने के बाद ही तो फेमस होते हैं। करने हैं ब्रो, करते हैं ना। हो जाएगा हो जाएगा, 3 दिन में काम हो जाना चाहिए। 3 दिन बाद हम इधर ही मिलेंगे, काम हो जाए तो कॉल करना, कब आना है कैसे आना है वो मैं बता दूंगा। ओके सर, थैंक यू। पैसे? अगर कुछ पैसे दे देते तो ऑटो भाड़ा दे देते। क्या? ऑटो का नहीं, अपना काम का पैसे। हाँ, जो काम है उसका अगर पैसे दे देते तो ऑटो भाड़ा भी दे देते। काम हो जाए उसके बाद मिल जाए। देखिए आप हमारे पहले बड़े कस्टमर है, तो बोनी कर देते तो अच्छा होता ना। ठीक है ठीक है, ट्रांसफर कर दूंगा मैं अकाउंट में, लेकिन काम हो जाना चाहिए। काम हो जाएगा उसका चिंता मत कीजिए। ठीक है चलते हैं। अपने को कोई और भी आदमी देखना पड़ेगा, अगर इनसे नहीं हुआ तो फिर इन्हें भी ठिकाने लगा देना। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। भाई ये तो बच्चा है, हमें इसको किडनैप करना है। हाँ भाई, लोग सही कहते हैं, बच्चे शैतान का दूसरा रूप होता है। ये शैतान भी पक्का उन मासूमों का कुछ ना कुछ जरूर बिगाड़ा होगा, तभी तो वो मासूम इसके पीछे पड़े हुए। सही कहा तूने भाई, कोई प्लान सोचा? मेरे पास एक मास्टर प्लान है। देख, मेरे पास ये चॉकलेट है, इस चॉकलेट के बहाने उसे मैं इस गली में लेके आऊंगा। जैसे वो इस गली में आए तो उस शैतान को दबोच लेना। कैसा लगा मेरा आइडिया? एकदम मौत भाई। तू यही रुक, मैं जाता हूँ। ठीक है ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ से कोई आए नहीं। अरे बदतमीज हो तुम तो बेटे। और भी क्वालिटी है मुझे, देखना है तुझे? नहीं नहीं, मुझे कोई क्वालिटीज नहीं देखना, मैं तो बस तुम्हें ये चॉकलेट देने आया था। दे दिया, अब इसके पैसे लेगा? नहीं बेटा, क्यों लूंगा पैसे, वो तो बस थोड़ा साइड में चलेंगे, हमें थोड़ा बात करना था। ओ, तब से प्यार से बात किया तो खुद को सारा मत समझ। प्यार से बात ही कहाँ किया बेटा तुमने, दिखाओ प्यार। नहीं नहीं, अच्छा गेम खेल रहा है, खेलते खेलते जैसे थक जाएगा मैं उसे ये पानी पिला दूंगा, उसके बाद वो बेहोश हो जाएगा, हम उठा लेंगे उसे। क्या मस्त आइडिया है। ठीक है थोड़ा वेट करते हैं। अरे ये बच्चे भगते क्यों नहीं है? पता नहीं यार, हमारे टाइम में गेम होते थे कबड्डी क्रिकेट फुटबॉल, और आज के टाइम में इस जनरेशन के बच्चे लोग पबजी खेल खेल के थकते ही नहीं है यार। बैटरी जब तक ना मर जाए ना तब तक ये लोग नहीं मरते। ये नहीं था तो मैं थक गया। बट हाँ, अभी वो नहीं थकेगा, लेकिन बैटरी तो खत्म होगा ना, जैसे ही बैटरी खत्म होगा हम जाके उसे पानी दे देंगे, है ना? कैसा? अरे भाई ये काम तुझे ही करना पड़ेगा। पर मैं क्यों? क्योंकि उसने मेरा चेहरा देख लिया है। पर मैं अकेला कैसे करूं? तो
तू चिंता मत कर, तेरे पीछे मैं रहूंगा। ऐसे तो हम कभी भी स्मार्ट डिटेक्टिव नहीं बन पाएंगे। देख, मुझे लगता है हमें पुराने बॉलीवुड मूवी की तरह इसे किडनैप करना होगा। बड़ी ओमनी वैन लेके जाएंगे, दरवाजा खोलेंगे, उसे डालेंगे। क्या बोलता है? तुझे गाड़ी चलानी आती है? नहीं, एक बार रिक्शा चलाया था, पर कार ट्राई कर सकता हूँ। बाइक यूज करते? सही कहा, चल वही करते। अबे ओ, इधर जाना है। चाबी कहाँ है? चाबी तो मेरे पास है। चलो चलो। अबे बच्चों से ऐसे थोड़ी ना बात करते, थोड़ा प्यार से बात कर, बच्चे तब बात मान जाएंगे। बेटा चाबी लाओ। चलो। और बात कर प्यार से। नहीं। कोको, मेरे पास एक प्लान है। तो तुम लोग को मुझे किडनैप करना है? हाँ। तब तो मुझे शेर चाहिए। शेर? ये क्या होता है? मतलब? अरे हिस्सा बे। हिस्सा? एक मिनट, हाँ हम डिस्कस करके बताते हैं। क्या बोलते हैं? मारते बहुत दो थप्पड़ लेके चलते। पागल है क्या? मैंने सारी मूवीज और सीरीज में देखे, जितने भी क्रिमिनल है ना, सारे गंदे काम भी ना अच्छी तरीके से करते हैं, और औरत और बच्चों पे तो कभी हाथ नहीं उठाना। तो अभी क्या करना है? इसे भी हम अपना पार्टनर बना लेते हैं। ठीक है, हम तैयार है, पर तुम्हें 20% ही हिस्सा मिलेगा। 30%? ओके डन। ठीक है, मैं भी आता हूँ। अभी कहाँ जा रहे हो? कुछ खाने का लेके आता हूँ, पता नहीं वो लोग कहाँ रखेंगे, कैसे रखेंगे। ठीक है सर, जल्दी आना। हाँ भाई, भाई कुछ मेरे लिए भी ले आना ना भाई। अच्छा ठीक है। ये सही क्या, भूख लगा था सुबह से, इसको पकड़ पकड़ के थक गए। इधर दौड़ाता उधर दौड़ाता, पानी के लिए बोल देना चाहिए था रे। ये लीजिए आपका बच्चा। ये हमारा बच्चा नहीं है। नहीं नहीं, मतलब ये रहा आपका पार्सल। ठीक है, दे दो इनके ही पैसे। शुक्रिया। आ गया। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, वरना गोली मार दूंगा। हाँ, हमने कुछ नहीं किया, हम तो डिटेक्टिव्स हैं। अरे हमको वो लोग नहीं, वो लोग असली किडनैपर्स। पकड़ो साले को। यूसुफ क्या रहा है? पता नहीं। हम लोगों भी जेल में लेके जाएंगे क्या? देख लेंगे तुम साले को। लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। भाई हमने कुछ भी नहीं किया, हमें तो पता भी नहीं क्या तू नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं, बस कुछ पैसे दे देते दे तो। नहीं नहीं, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है, ये तो हमारा फर्ज है।
क्योंकि जो कोई ना कर सके वो हम करके, हम हैं स्मार्ट डिटेक्टिव। ठीक है चलते हैं, नमस्ते। हाँ, नमस्ते नमस्ते। पर भाई ये सब हुआ कैसे? दो अंकल है वो तैयार है हमारी मदद करने के लिए, बस आप मेरे पीछे पीछे पुलिस ले आइएगा। पर इसमें बहुत खतरा है बेटा। आप चिंता मत करिए, वो अंकल है ना, वो ख्याल रखेंगे तुम्हारा। ठीक है मैं चलता हूँ पापा। मतलब ये सब इसी चूजे ने करवाया है? Hey guys! अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो। वीडियो में बहुत मेहनत लगती है तो सारे दोस्तों के साथ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ शेयर करना हर जगह शेयर करो यार, शेयर करो करो और सब्सक्राइब करो। ऐसी और भी फनी इंटरटेनिंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और जो जो लोग कह रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड।